देखिए, आज जो है जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से ये कॉमन सिविल कोड के बारे में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट, जो लॉ कमीशन की तरफ से एक नोटिस इशू की गई थी, उसमें जो है आज एक मीटिंग बुलाई गई थी मीडिया प्लस पे। और मजलिस बचाओ तहरीक, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश की मेंबर है, तो हमारे को भी बुरा, हम भी आए थे और हमारे तजावीज़ पेश किए गए। सबसे पहले तो ये जो कॉमन सिविल कोड है, इसको ऐसा पेश किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ में है और शरीयत में इसकी मदाखलत है। यकीनन ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और जो सोची समझी साजिश के तहत जो हिंदुत्व लॉबी काम कर रही है, ये कॉमन सिविल कोड बोलिए या ये जो भी आप इसका नाम रखिए, तो इसके पीछे एक आरएसएस और हिंदुत्व की एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। 50 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दूसरे जो हिंदुइज्म में भी जो फिरके हैं, जो तबके हैं उनके, जैसा आदिवासी से, आदिवासी इसमें जो है एक एक्स्ट्रा उनका एक जुडिशल पावर ये है कि आदिवासी की ज़मीन कोई ख़रीद नहीं सकते, आदिवासी ज़मीन बेच नहीं सकता। हिंदुइज्म में भी कई ऐसे वाक़ियात है, हर स्टेट में हिंदुइज्म में अलग अलग कानून है उनका। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये मजहबी आज़ादी अलग रखे थे। अब क्योंकि आरएसएस का एक हिडन एजेंडा है कि सबसे पहले इनका हिडन एजेंडा ये है कि मुसलमानों को मारो, उसके बाद में आदिवासियों को मारो, दलितों को मारो। तो अब ये लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसमें ये हरकत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो जॉइंट एक्शन कमेटी, क्योंकि एनआरसी के वक्त भी जॉइंट एक्शन कमेटी बेहतरीन एहतजाज किया था जनाब मुश्ताक मलिक साहब की सदारत में, तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसा जॉइंट एक्शन एनआरसी के वक्त में 1 मिलियन मार्च किया गया था, अभी भी वैसी एक तजावीज़ रखी गई है। और ख़ास तौर पर इस मीटिंग के द्वारा ये फैसला किया गया है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की जो बीआरएस पार्टी है उसका मौकूफ़ वाजे करना चाहिए, और जगन मोहन रेड्डी जो वाईएसआरसीपी के उनका मौकूफ़ वाजे करना चाहिए, और तेलुगु देशम इन तमाम ये तीन जो बड़ी जमातें हैं साउथ की, इन पे हम प्रेशर डालेंगे कि वो आने वाली अगर बिल पार्लियामेंट में पेश होती है तो उसकी मुखालिफत करें, क्योंकि ये हर पार्टी में जो है इनको इख्तदार पे लाने पे मुसलमानों का बड़ा हाथ रहा है। तो ये तजावीज़ आज तय है, करिंदा आइंदा जो भी इजलास में होगा, 1 मिलियन मार्च के ऊपर भी एक बात आई है, तो इंशाल्लाह हैदराबाद बी रेडी फॉर 1 मोर मिलियन मार्च।